हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं इंडिया इज हेवन ऑन अर्थ, सो अफगानी गर्ल हार्ट टचिंग वीडियो, इस पे हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सो इससे सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर और बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं, यहाँ रहना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है। और इसका कल्चर फेस्टिवल जो है बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली दिवाली और होली। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एंड फ्रीडम कंट्री फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN World, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसरा है। कहाँ से हो आप? मैं अफगानिस्तान से हूँ। अफगानिस्तान में कहाँ से? काबुल से। अच्छा, कब आए इंडिया? एक्चुअली 4 साल पहले मैं आई थी। 4 साल काफ़ी लंबे समय से है, तो इंडिया कैसा लगता है? इंडिया बहुत अच्छा है, इसका पीपल जो है बहुत अच्छा है और इसका कल्चर जो है सब अच्छा है। हम बहुत इंडिया को बहुत पसंद करती हूँ। इंडिया आने का कोई खास वजह? स्टडी के लिए हम आई थी, पर यहाँ होने का शौक थी। अच्छा, स्टडी में अभी आप क्या करते हो? अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। इंस्टीट्यूट में किस चीज? किस चीज? डिजाइनिंग। वाह, आपको डिजाइनर बनना है? हाँ। वेरी नाइस। तो क्या डिजाइनर बन के इंडिया में रहना है या अफगानिस्तान जाना है? नहीं, यहाँ रहना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है। आपको इंडिया में सबसे बेस्ट क्या लगता है? इसका जो फूड है बहुत पसंद करती हूँ मैं, ये मोमोस है सब फूड, और इसका कल्चर फेस्टिवल जो है बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली दिवाली और होली। अच्छा, दिवाली होली। होली में कलर्स के साथ खेलना पसंद है आपको? बहुत। अच्छा, मेरे उतना ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, एक दो है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ होली में। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आता होगा। तो आपके रिलेटिव्स कुछ लोग जो होंगे जो अफगानिस्तान में रहते हैं, तो उनसे बातचीत होती है? हाँ, समटाइम्स। अच्छा, ऐसा सुनते हैं कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इशू है थोड़ा, जो अदर कंट्रीज़ है वो थोड़ी सी दबाव क्रिएट करती है, तो क्या है ये? अफगानिस्तान तो सिक्योरिटी ऑल वी नो इट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिस्प्लेस फ्रॉम देयर फ्रॉम अफगानिस्तान टू हियर। सो उसका सब पता है, सिक्योरिटी नहीं हुआ है इसलिए। तो फिर वहाँ पर लोग सेफ रहते हैं, कैसे रहते हैं? लाइक बातचीत तो होती होगी? सेफ तो नहीं है, तो सेम नहीं अफगानिस्तान। अच्छा, आपके फादर वहाँ पे क्या करते थे? मेरा फादर डॉक्टर थी वहाँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या करते? अभी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उन्हें अपना जॉब छोड़ कर आना? उसका प्रॉब्लम ये लैंग्वेज नहीं आती इसलिए। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिलती। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी के कारण उन्हें वहाँ फिर जॉब को लेफ्ट करके यहाँ पे आना पड़ा। हाँ जी, हाँ, ये रीज़न था, मेन रीज़न यही था। बहुत बुरा लगता होगा इस सिचुएशन में? हाँ, बहुत बुरा है। तो हम यहाँ बहुत खुश है क्योंकि हिंदुस्तान बहुत, इसका सिक्योरिटी भी अच्छा है, सब अच्छा लगता है। इंडिया के फ्रीडम और अफगानिस्तान के फ्रीडम के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का फ्रीडम तो बहुत है, वो अफगानिस्तान इतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी भी नहीं है। यहाँ बहुत फ्रीडम है घर के लिए, यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं। बॉलीवुड में इंटरेस्ट है? बॉलीवुड मूवीज़? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बस बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बोल दूँ कि हमारी ऑडियंस को या इंडिया के बारे में आप एक वर्ड या एक सेंटेंस बोलिए, तो क्या बोलेंगे इंडिया के बारे में? इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एंड फ्रीडम कंट्री। फ्रीडम कंट्री एंड बेस्ट कंट्री द वर्ल्ड। सो ये वीडियो थी अफगानी लड़की के ऊपर, और सीरियसली मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने पॉजिटिव कमेंट्स जो हैं वो इंडिया के लिए मिल रहे हैं। लाइक इमेजिन करें, मतलब जो लोग जहाँ रहते हैं ना उनको वहाँ का इतना आइडिया होता है। हम लोग यहाँ पर बैठे इसलिए हमें मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं ये ऐसा है, ऐसा होगा, वहाँ पर ऐसा होगा। बेसिकली जो लोग वहाँ से होकर आए हैं या रह रहे हैं उनको पता है। सो अफगानिस्तान नो डाउट इसके बारे में हमने काफ़ी सुना है, और यहाँ के लोग भी हैं, और मेरे ख्याल से ज़रीन खान भी अफगानिस्तान से ही हैं। तो जहाँ लोग कहते हैं कि ये सेफ़ नहीं है और यहाँ पे मतलब फीमेल्स के लिए भी इतना ख़ास नहीं है,
तो इंडिया में बेसिकली, और इंडिया की और अफगानिस्तान की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी भी है, दोस्ती भी है। यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और जहाँ तक इनकी बात की जाए तो ये मतलब कि यहाँ पर स्टडी कर रही हैं, और इनके बाबा, अच्छा पहले मुझे लगा था ये अकेली हैं, बट अब मुझे आइडिया हुआ कि इनके बाबा भी यहाँ पर, इनकी पूरी फैमिली शायद यहाँ पर आई हुई है, और वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ही उन्होंने यहाँ पर माइग्रेट किया होगा। तो बेसिकली होता यह है कि जिसको जहाँ का माहौल अच्छा लग जाता है ना, बस वो उसके लिए वो हेवन बन जाती है। सो इनको हर चीज़ यहाँ की अच्छी लगी। यहाँ का, इंडिया का फूड बहुत अच्छा है, नो डाउट इंडियन फूड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने खुद ट्राई किया है। अब आप बोल रहे होंगे तुम इंडिया आई नहीं हो तो तुमने ट्राई कैसे कर लिया। सो मैंने दुबई में ट्राई किया है इंडियन फूड, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट्स में, और काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी मज़े का होता है। और इसके अलावा एक ये है कि यहाँ का कल्चर भी अच्छा है। होली मैंने आज तक नहीं खेली है, तो मुझे भी बड़ा शौक है खेलने का। मैं अपनी, मतलब मुझे काफ़ी बार इनवाइट किया गया है, बट टाइम ना होने की वजह से मैं जा नहीं पाई। बट इस बार तो डेफिनेटली मैं होली सेलिब्रेट करने वाली हूँ, और मैं इस पे व्लॉग भी बनाऊंगी ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं कि किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है होली को यहाँ पर। और दिवाली थी तो खैर मैंने दुबई में सेलिब्रेट किया है, और खुद ही सेलिब्रेट किया था, तो मैंने उस पर व्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन हाँ एक वीडियो अपलोड की थी। एनीवेज काफ़ी पॉजिटिव कमेंट जो हैं ये अफगानी लड़की की तरफ से इंडिया के लिए बताया गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सेफ है फीमेल्स के लिए या फिर सबके लिए। तो यहाँ पे वाकई में हर किसी को आज़ादी है, जो जैसे चाहता है वो वैसे रह सकता है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है अब फीमेल्स के लिए, खासकर अब जैसे स्कूटीज वगैरह चलाती हैं, बाइक्स वगैरह, कार, और जो करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर करते हैं। सो किसी की रोकथाम नहीं है वहाँ पर, कोई कुछ कहता नहीं है। हर मज़हब के, हर तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं, हर कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, हर किसी को राइट्स मिला हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आई होप कि कमेंट्स में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम आओ यहाँ पर विजिट करो, और मैं भी डेफिनेटली, मेरा भी दिल करता है, और मैं जैसे ही कंडीशन अच्छी होती है तो मैं भी एक्सपीरियंस करूँगी इंडिया का, कि इंडिया कैसा है इंडिया में आकर। सो डेफिनेटली मैं आऊँगी, और ज़रूर आऊँगी, और सबको इन्फॉर्म करके आऊँगी। सो यस, सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना जो भी प्रीशियस कमेंट हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।